अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू का पराठा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगा, काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही चटपटा बनाएंगे इसको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू ले लेंगे मीडियम साइज़ का, और उसमें एक चम्मच नमक डाल के उसको उबाल लेंगे। फिर इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे उसको। पोटैटो मैशर से अगर मैश करना है तो फिर मैश करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में रख दें, तो ये जो है आलू भरने के टाइम बिल्कुल फटेगा नहीं। और फिर इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, बारीक चॉप कर लेंगे उसको, उसको डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे करीब 4 से 5, और आधा कप डाल देंगे हरी धनिया। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अगर आपको कम तीखा खाना है तो आप कम कर सकते हैं, और अगर चटपटा बनाना है तो इसमें 5 से 6 हरी मिर्च डाल दें। फिर नमक डाल देंगे, नमक हमने उबालते वक्त डाला था, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आधा चम्मच डाल देंगे अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भर के डाल देंगे भुना जीरा, थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, अगर मिर्ची कम करना है तो इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें काला नमक करीब आधा चम्मच, आधा चम्मच डाल देंगे इसमें चाट मसाला, और फिर इस सबको डाल के इसको मिला लेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से मिलाएंगे, जितने मसाले हैं सब अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। तो आप चाहे चम्मच से या फिर हाथ से इसको मिला सकते हैं। और मिलाने के बाद हम फिर आटा लगाएंगे। तो ये जो है मिल गया, अब इसको रख देंगे साइड। 2 कप ले लेंगे गेहूं का आटा, और उसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच तेल, और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। करीब 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक लग जाएगा, तो 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक डाल के फिर इसको एक मुलायम सा आटा उसका गूंध लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं रखना है, एकदम सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो पहले इसको इस तरह से मिला लेंगे, और मिला के फिर रख देंगे थोड़ी देर के लिए इसको ढक के, करीब 2 से 3 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको रख दें। और फिर जब इसको बनाना हो तो एक बार फिर से इस तरह से गूंद लेंगे। तो एक बार फिर से इस तरह गूंद लेंगे, और उसके बाद छोटी छोटी लोई बनाएंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हमको सूखा आटा लगा के इस तरह से बना लेना है। इसमें जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार करी है उसको भरेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से बना लेते हैं, और उसके बाद आलू को एक बॉल की तरह बना लेंगे, और फिर इसमें रख देंगे, और इस तरह से चारों तरफ से इसको थोड़ा सा दबा दबा के इस तरह से इसको बंद कर देंगे चारों तरफ से रोटी को, बिल्कुल ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, तो ये जो है ना तो बिल्कुल बाहर निकलेगा और ना तो ये फटेगा। ये तैयार हो गई हमारी पहली लोई। तो सबसे पहले एक बार फिर से इसमें सूखा आटा लगाएंगे। और उसके बाद जितना फालतू आटा रहेगा सब इस तरह से कर देंगे, तो सब निकल जाएगा, और फिर हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। बेल के फिर इसको हम डाल देंगे तवे पे, और सबसे पहले एक बार इस तरह सेकेंगे, और थोड़ा सा तेल डाल के इसको जो है खूब अच्छी तरह से सेक लेंगे, और फिर तैयार हो जाएगा हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटा सा आलू का पराठा। और इसको हरी चटनी के साथ और मीठी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही चटपटा बनेगा और काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको बनाइए खाइए, और छुट्टी भी है तो इसको ज़रूर बनाएं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी चटपटा बनता है। मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।